Hello students, so today we discuss salts beta. Today we discuss salts topic. In last class beta, last classes में हमने acid वाला part भी पूरा complete कर लिया, base वाला part भी. आपको मैंने बताया था ना, इस chapter में 3 parts हैं, acid, bases and salts. So इसके बाद मैं एक class ऐसी रखूँगी जिसमें हम acid और base सारा discuss करेंगे. और फिर एक क्लास हम रखेंगे जिसमें पीएच स्केल और सॉल्ट, वो चाहे हम अपनी लाइव क्लास लेंगे. सो होपफुली हमें वो लास्ट वाली क्लास बहुत अच्छी लगी थी, बट आज बहुत सारी ना रिएक्शंस थी जो उसमें पॉसिबल नहीं है, उसमें हम डिस्कशन के लिए जनरली रखा करेंगे क्लासेस. ठीक है जी. सो टुडे वी स्टार्ट विद दिस सॉल्ट्स पार्ट बेटा. सो जनरली सबसे पहले सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, वेरी इजी पार्ट, हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं. This reaction is called neutralization reaction. इसे हम क्या बोलते हैं, neutralization reaction. Salts are formed when acid and base react with each other. जब acid और base आपस में react करते हैं तो क्या बनता है, salt plus water. बहुत easy सी example देखो, HCl acid है और base के साथ react करता है तो salt plus water बनता है. तो सर this is the basic how salts are formed. Salts कैसे formed होते हैं, when acid react with a base. सो विद दोनों जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर. सो धीरे धीरे आज हम एसिड वाले पार्ट को और सीखते जाएंगे. देन इज फैमिली ऑफ एसिड्स, फैमिली ऑफ एसिड्स. द सॉल्ट्स हैव सम सेम पॉजिटिव आयंस होते हैं, बिलोंग टू द सेम फैमिली, उसे हम क्या बोलते हैं, सेम फैमिली. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, दोनों में Na पॉजिटिव है, सोडियम सोडियम है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेम सोडियम फैमिली के हैं, तो सोडियम सॉल्ट्स बोलते हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट्स बोलते हैं. जैसे NaCl एंड पोटेशियम क्लोराइड, दोनों में Cl है, क्लोरीन क्लोरीन है, तो दीज आर क्लोराइड सॉल्ट्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड. इसे हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, एक ही फैमिली के हैं. जैसे सोडियम सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, दोनों के अंदर सोडियम सोडियम है. जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, दोनों को क्लोरीन क्लोरीन दोनों में है, क्लोराइड सॉल्ट्स बोल जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. इसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट. आपको बताएं, हम ऐसे समझते हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है. बेटा ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे सॉल्ट्स बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं. सम सॉल्ट्स आर न्यूट्रल होते हैं, सम सॉल्ट्स आर एसिडिक इन नेचर होते हैं, एंड सम आर बेसिक भी होते हैं. सॉल्ट्स की भी नेचर होती है. कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनका पीएच 7 आता है बेटा, जिनका पीएच 7 आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें जिनका 7 आता है उन्हें पीएच 7 उन्हें बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स है. बट सम का पीएच 6 आ गया, मतलब लेस देन 7 आ गया, दैट मीन्स कि वो एसिडिक सॉल्ट है. एंड कुछ का पीएच 7 से ज़्यादा आता है, दैट मीन्स कि वो बेसिक सॉल्ट्स हैं. तो सम सॉल्ट्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, एंड बेसिक भी हो सकते हैं. अब हम सोच रहे हैं कि कैसे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल. हम तो अभी तक सोचते थे सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं, नहीं, सॉल्ट समटाइम एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी. वन बाय वन मैं सबके एग्जांपल्स बताऊंगी आपको, और इसमें हमने ना रिएक्शंस बेटा लर्न कर लेनी है, इसमें हमने रिएक्शंस लर्न करनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आपका ये क्या स्ट्रॉन्ग वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है, तो आपको पता है सॉल्ट क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है. क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड. सो दिस इज अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस किससे रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा. और अगर वो वीक बेस है बेटा, ये क्या है, दिस इज एसिड है, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस. अगर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं, तो सॉल्ट प्लस वाटर तो बनेगा, पर बेटा जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है वो उसका इफेक्ट नहीं छोड़ती. HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, वो कहती मैं तेरे साथ सॉल्ट तो बनाऊंगी बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो जो सॉल्ट बनेगा उसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक होगी. सो अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट बन रहा है इसकी नेचर एसिडिक है, इट्स नॉट न्यूट्रल. अगर आपका वीक बेस है बेटा, वीक बेस में मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल ले ली, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर, बट दिस इज आपकी जो इसकी नेचर आएगी एसिडिक आएगी. एसिडिक क्यों आएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन है. देन इज अनदर, अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट इज अगर हमने कोई सॉल्ट लिया बेटा, हमने बनाना है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया और वीक एसिड, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस.
एंड कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड, इन दोनों की रिएक्शन करते हैं, बनेगा तो सॉल्ट ही बनेगा सॉल्ट, बट सॉल्ट की नेचर क्या होगी, बेसिक होगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस था। वो कहता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तेरे साथ सॉल्ट तो बना लूँगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, बनेगा तो आपका सॉल्ट ही, बट सॉल्ट की नेचर क्या होगी, सॉल्ट की जो नेचर होगी वो क्या होगी आपकी, जब स्ट्रॉन्ग बेस था इसकी नेचर बेसिक होगी, नेचर क्या होगी, बेसिक होगी। सो अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपकी जो सॉल्ट है इसकी नेचर क्या होगी, बेसिक की नेचर है। वो कहता मैं स्ट्रांग हूँ, जब मैं स्ट्रांग बेस हूँ और वीक एसिड से लड़ूंगा बनाऊंगा तो सॉल्ट ही बनेगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर, बट इसकी नेचर क्या होगी, इसके याद रखोगे क्या बनेगी इसकी नेचर, इसकी नेचर क्या आएगी, बेसिक की नेचर। अगर मैं दोनों ही स्ट्रॉन्ग, अगर मैं दोनों स्ट्रांग ले लूँ, दो चीज़ें स्ट्रांग आपस में आ जाएँ फिर तो काम ही ख़त्म है, फिर तो अगर दोनों चीज़ें ही स्ट्रांग हो जाएँ फिर तो अच्छी बात है। अब लेट इट बी एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ए स्ट्रांग बेस, एंड HCl स्ट्रांग एसिड, दोनों स्ट्रांग चीज़ें रिएक्ट करेंगे, देन सॉल्ट NaCl इज न्यूट्रल होता है, नमक जो होता है आपके घर में न्यूट्रल होता है, प्लस वाटर। सो अगर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस दो चीज़ें स्ट्रांग लड़ी हैं तो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। इस केस में जो आपका सॉल्ट बनेगा वो उसकी नेचर क्या होगी, सॉल्ट की नेचर क्या होगी, न्यूट्रल होगी, दिस इज द न्यूट्रल सॉल्ट। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द सॉल्ट, सबसे पहले हम कॉमन सॉल्ट ही स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन वी स्टार्ट, आज हमने करने क्या थे, सॉल्ट्स। अब हमने पहले जो थोड़ा सा सारा किया दैट इज हमने सॉल्ट्स की थोड़ी सी बैकग्राउंड की। सबसे पहले बेटा आपके घर में जो नमक रहता है NaCl कैसे बनता है, प्रेपरेशन स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, आपका सॉल्ट न्यूट्रल बनता है प्लस वाटर। सो जो आपके घर में नमक होता है कॉमन सॉल्ट, इसको टेबल सॉल्ट ही बोलते हैं क्योंकि आपके खाने की चीज़ों में यूज़ होता है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट। हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेंड, हमारे इसके दो मेथड्स हैं कॉमन सॉल्ट के, एक सी वाटर से मिलता है, एक अंडरग्राउंड डिपॉजिट। सी वाटर बेटा जो आपका सी के अंदर वाटर रहता है उसके अंदर बहुत नमक होता है, उसके है ना वाटर की इवेपोरेशन कर देते हैं, वाटर की क्या कर देते हैं, इवेपोरेशन, और ना बड़े बड़े फॉर्म्स में पानी को खड़ा कर देते हैं। जब पानी खड़ा रहता है आफ्टर फ्यू डेज उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जो सॉल्ट होता है वो रह जाता है, बाद में सॉल्ट की प्योरिफिकेशन कर देते होते हैं। सो फ्रॉम द सी वाटर से हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है। सेकेंड जो हमारा कॉमन सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स। बेटा अंडरग्राउंड में क्या होता है, हमारे ना रॉक सॉल्ट्स की पूरी पूरी हमें कई जगह पे बेटा ऐसा होता है कि पुराने टाइम में वहाँ पे सी थी, वो सी पूरी सूख गई, नाउ इट बिकम अ रॉक, वो रॉक सॉल्ट होता है। सो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स मिलते हैं, लाइक कोल माइंस मिलती हैं, ऐसे ही रॉक के भी सॉल्ट्स के भी होते हैं, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, इट्स ब्राउन इन कलर होता है जनरली रॉक सॉल्ट। सो हमें पूरी पूरी ना बेटा जैसे पहाड़ होते हैं ना पूरे पूरे लाइक दस वो मिलते हैं, वो पूरे सॉल्ट के बने होते हैं, उसको बाद में हम पहले मिलिंग मशीन्स के साथ अंदर मिलिंग के अंदर क्रश कर देते होते हैं पाउडर फॉर्म में, फिर उसकी प्योरीफिकेशन मिलते हैं, फिर वो आपके पास आता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट। सो नमक आपको दो फॉर्म्स में से कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर, एक आपको कहाँ से मिलता है, सी वाटर से, एक अंडरग्राउंड वाटर डिपॉजिट, एंड जो अंडरग्राउंड से मिलता है इसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं, इसका जनरली ब्राउन इन कलर होता है। सो एक आपको नमक कहाँ से मिलता है, सी वाटर, सी वाटर के अंदर नमक होता है, वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं बाद में नमक रह जाता है। सेकेंड इज फ्रॉम द अंडरग्राउंड वाटर डिपॉजिट से, अंडरग्राउंड वाटर डिपॉजिट से। सो दिस इज द हाउ कॉमन सॉल्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट इज हम इसका देखते हैं, कॉमन सॉल्ट सबसे पहले आपका आ गया, देन इज नमक से केमिकल, सबसे पहले अगला स्टार्ट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्रॉम केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से हमें कौन कौन से केमिकल्स मिले हैं, केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट इज कास्टिक सोडा, सोडियम का हमें वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब हम फर्दर तीन टॉपिक आज बहुत इंपॉर्टेंट भी करने लगे हैं, कास्टिक सोडा सबसे पहले, देन इज सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, एंड थर्ड इज बेकिंग सोडा। चलिए वन बाय वन वी स्टार्ट विद, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, कास्टिक सोडा कैसे बनता है। यस वी स्टार्ट विद कास्टिक सोडा, फर्स्ट कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaNaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। सो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज कास्टिक सोडा एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन,
NaCl in water को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन. वही क्वेश्चन भी ऐसे था, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन. सो व्हेन NaCl को वाटर में डालते हैं, दिस इज ब्राइन सॉल्यूशन. NaCl प्लस वाटर, इसकी बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी, आपका क्या बनता है, कास्टिक सोडा NaOH बनता है, प्लस क्लोरीन गैस बनती है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है. सो जब अगर आप ब्राइन सॉल्यूशन प्लस वाटर इसके अंदर डाल के इसके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसका भी एक प्रोसेस होता है. आपके सिर्फ प्रोसेस नहीं, आपको सिर्फ रिएक्शन ही है बेटा. आपको फर्दर प्लस वन प्लस टू में इसका पूरा आएगा, हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म. अब आपको कुछ नहीं है, सिंपली आपको एक रिएक्शन है. दिस इज द रिएक्शन, NaCl प्लस वाटर बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपके क्या बन जाते हैं, क्लोरीन एंड प्लस दिस. सो दिस इज हाउ NaOH इज फॉर्म्ड. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ मैं बोलने लगी हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ. इस रिएक्शन को एक और नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस. क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस. मैंने क्यों बोला अब इसको, क्लोरो वर्ड क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन गैस बन रही होती है. इसके अंदर क्या बनती है, क्लोरीन गैस, क्लोरो एल्कलाइन. एल्कलाइन क्या होते हैं, जो बेस होते हैं वाटर सॉल्युबल, जो बेसिस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, उन्हें NaOH जो बेस है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, तो दिस इज कॉल्ड एल्कलाइन. इसे NaOH को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन, क्योंकि दिस बेस इज सॉल्युबल इन वाटर. सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज क्लोरो एल्कलाइन. क्लोरो क्लोरीन से आया, एल्कलाइन क्या होते हैं, जो बेस वाटर सॉल्युबल है. NaOH इज अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस. आई एम वाई दिस इज कॉल्ड लाइक दिस, मैंने आपको बताया दिया, क्लोरीन क्लोरो से है, एल्कलाइन मीन्स NaOH वाटर सॉल्युबल बेस है. सो दिस इज हाउ NaOH इज फॉर्म्ड. देन इसके यूजेस, NaOH के यूजेस कहाँ पे, डिटर्जेंट सोप्स में यूज हो रहे हैं, फाइबर्स आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स में, क्लोरीन जो इसमें बन के आई हुई है, क्लोरीन के ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, भी आगे आएगा, एंड HCl बनाने में यूज होता है. देन इज हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस कहाँ यूज होती है, एक तो HCl एसिड बनाने में यूज होती है, फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में यूज होती है. अब आपको पता है H2 और Cl2, इसके दोनों मिलके Cl2 और HCl, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, HCl. तो HCl के यूजेस भी आपको मैंने दिए हुए हैं, मैं कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन में, क्लिंजिंग आयरन शीट्स बिफोर टेनिंग दी ग्लाइमराइजेशन से पहले इसको, आयरन शीट्स को क्लीनिंग में भी यूज़ करते हैं, HCl में डाल देते रहते हैं. सो दिस इज, मैंने कौन सा पार्ट सबसे पहले कहा, केमिकल्स ऑफ HCl से सबसे पहले मैंने कौन सा कराया आपको, कास्टिक सोडा. फर्स्ट इज कास्टिक सोडा, वी डन इट, देन वी स्टार्ट कास्टिक सोडा क्या, वॉशिंग सोडा. पहले मैंने सबसे पहले क्या कराया, कास्टिक सोडा. नाउ वी स्टार्ट विद ए वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा अब इसको करते हैं बेटा. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. सोडियम कार्बोनेट इज अ सोडियम कार्बन, वॉशिंग सोडा इज अ सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. इसके अंदर कितने होते हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. सोडियम कार्बोनेट विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर, दिस इज कॉल्ड एनहाइड्रस. अगर इसके अंदर एक भी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का ना लो, एक भी मॉलिक्यूल वाटर का ना लो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस. एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है बेटा, वट डू यू मीन बाई एनहाइड्रस. एनहाइड्रस मीन्स जिसके अंदर वाटर बिल्कुल ना हो. अगर इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर से हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उड़ा दें, तो दिस इज कॉल्ड एनहाइड्रस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एनहाइड्रस को क्या बोल रहा हूँ, एनहाइड्रस क्या होता है, अगर इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाएँ, तो दिस इज Na2CO3 को बोलते हैं, Na2CO3 को बोलते हैं. सो एक और चीज़ सुनो, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज कॉमनली नोन एज सोडा ऐश. दिस इज ऑल्सो नोन एज सोडा ऐश बोलते हैं. सेम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश. सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को बोलते हैं वॉशिंग सोडा. क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा. अगर मैं इसे हीट कर दूँ, इसके 10 के 10 मॉलिक्यूल्स उड़ जाएँ, दिस इज कॉल्ड सोडा ऐश. ऐश मतलब होता है राख बन जाती है, अब इसका कोई यूज़ नहीं है.
अब इसका कोई भी यूज़ नहीं है। एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एनहाइड्रस। हाइड्रस होता है बेटा जिसके अंदर पानी होता है, एनहाइड्रस होता है जिसके अंदर पानी नहीं होता। तो सोडियम कार्बोनेट, सिर्फ अगर सोडियम कार्बोनेट है लाइक दिस, दिस इज़ कॉल्ड सोडा ऐश, दिस इज़ कॉल्ड सोडा ऐश एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनहाइड्रस। नाउ वी स्टार्ट, कैसे बनता कैसे, वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन करने लगे, हाउ सोडा वॉशिंग सोडा इज़ फॉर्म्ड। सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन इसकी, आज बेटा रिएक्शंस बहुत हैं सॉल्ट्स में, इसीलिए मुझे आज आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना कि आपको रिएक्शंस आप नोट कर सको बेटा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर मैं हीट करती हूँ तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। जब भी कार्बोनेट होएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर तो बनेगा ही बनेगा। दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन। अगर आपको क्या प्रोडक्ट किससे बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मैं हीट करती हूँ तो सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसकी अगली रिएक्शन, अगर आप इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं, इसको वाटर ऐड, देन सोडियम कार्बोनेट इसका डेकाहाइड्रेट बना देते हो, देन दिस इज़ कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बन गया। दिस इज़ वॉशिंग सोडा। सो सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड, दिस इज से क्या बोलते हैं आपका, वॉशिंग सोडा। सो एनहाइड्रस कार्बन इज डिजॉल्व इन वाटर के अंदर डालते क्रिस्टलाइजेशन टू गेट वॉशिंग सोडा। बेटा ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें दिखाई नहीं देते, ये इसके क्रिस्टल के अंदर चले जाते हैं। सो दिस इज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वर्ड आया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा ऐसे नहीं कि इसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपको दिख रही हैं, अगर मैं इसको पानी के अंदर डाल दूंगी तो ऑटोमेटिकली अब पानी से 10 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन देर क्रिस्टल ले जाएगा। दैट्स वाई दिस इज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके क्रिस्टल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा में सबसे पहले यस प्रॉपर्टीज एंड देन यूजेस। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा में क्या कहते हैं बेटा, यस प्रॉपर्टीज, वॉशिंग सोडा इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आपने अपने घर में डिटर्जेंट्स देखे हैं, सो जनरली ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आपके वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट विच आर सॉलेबल इन वाटर। सो दिस इज सॉलेबल इन क्या होता है, वाटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वॉशिंग सोडा इज़ वन ऑफ द फ्यू कुछ मेटल कार्बोनेट्स होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, बट ये भी वाटर में क्या होता है, सॉलेबल होता है। सारे मेटल कार्बोनेट्स नहीं होते बट सोडियम कार्बोनेट सॉलेबल इन वाटर होता है। यूज़ इट, इट इज़ यूज इन आपके घर में डिटर्जेंट सोप्स में सब में यूज़ हो रहा है। ठीक है, इज रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में होता है। सो क्लिनजिंग एक्शन में इसका मेन रोल आ जाता है। आपके घर में जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं, शैम्पूज हैं, सबके अंदर मेन बेसिकली वॉशिंग सोडा है। एंड इट सेकेंड यूज, इट इज़ यूज इन द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। किस में यूज हो रहा है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज सोडियम बेकिंग सोडा। सो नेक्स्ट पार्ट वी स्टार्ट इज बेकिंग सोडा। चलिए देखते हैं फर्स्ट व्हाट इज बेकिंग सोडा, क्या होता है आपका। यस बेटा, दिस इज द बेकिंग सोडा। मैंने आपको सबसे पहले कौन सा कराया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसे कास्टिक सोडा बोलते हैं। फिर वॉशिंग सोडा किया, अब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके घर में खाने वाली चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। व्हाट इज बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला इज, केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। द फॉर्मूला इज NaHCO3, सोडियम NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी बनता किससे है, NaCl प्लस अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बनता कहाँ से, देखो NaCl प्लस अमोनिया प्लस वाटर प्लस प्रोडक्शन। सबसे पहले बेकिंग सोडा होता क्या है, फिर इसकी फॉर्मेशन बनता कैसे है ये। सो कैसे बनता है, सोडियम NaCl प्लस अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका बेकिंग सोडा बनता है प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको ये चीज़ चाहिए थी, क्या चाहिए थी आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट। सो दिस इज़ कॉल्ड बेकिंग सोडा, दिस इज़ कॉल्ड बेकिंग सोडा।
आपको पता बन किससे रहा है, याद करो मेरे साथ साथ लिख के रिएक्शन को याद करो, NaCl प्लस अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सो ये आपके फोर क्या हो गए इसके अंदर रिएक्टेंट्स। फिर बेसिकली हमें सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए था, ये निकल गया प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्लियर है बेटा, दिस इज़ हाउ बेकिंग सोडा इज़ फाउंड, देन इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस करते हैं। जितने भी हम करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हमें दोनों करने पड़ेंगे बेटा। यस, फर्स्ट बेकिंग सोडा क्या देखने में कैसा था, अपने घर में भी किचन में जाके देखना, इट्स वाइट क्रिस्टल्स विच इज़ स्प्रेंगली सॉलेबल इन वाटर, मीन्स पार्शली सॉलेबल इन वाटर था। सो दिस इज़ वाइट कलर का बेकिंग सोडा होता है विच इज़ स्प्रेंगली सॉलेबल इन वाटर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन इज माइल्ड एंड क्रोसिव इन बेस है, दिस इज़ माइल्ड होता है, नॉन क्रोसिव बेस होता है, इसे खा भी सकते हैं, कोई हार्मफुल नहीं है, दिस इज़ नॉन क्रोसिव नहीं है, नॉन क्रोसिव है, माइल्ड होता है। द सोल्यूशन ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज मिल्कीनेस, आप कभी बेकिंग सोडा को पानी में डालोगे मिल्की कलर आ जाता है, एंड दिस इज माइल्डली एल्कलाइन होता है, सो दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस बेटा, दिस इज माइल्ड एंड दिस एल्कलाइन, आपके इसके माइल्ड जो है एंड नॉन क्रोसिव बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है बेटा। इवन अपने खाने के कितनी चीज़ों में डालते हैं, आप चने बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, कितनी सारी ब्रेड्स बनाते हैं, सब में यूज़ होता है ये, सो दिस इज़ ए माइल्ड एंड नॉन क्रोसिव बेस होता है, इट्स वाइट कलर का होता है। एक्शन विद वाटर, जब आप इसको ब्रेड्स में डालते हो और ओवन में रखते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो, सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है प्लस वाटर। आपको पता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैस बनती है, तो आपके केक्स और ब्रेड्स क्या बनते हैं, फ्लफी हो जाते हैं। सो आप केक को या ब्रेड को, कभी केक को बनना रखो ओवन में, थोड़ी देर बाद देखते हो वो ऊपर ऊपर उठता रहता है, राइज अप होता रहता है, फैलता रहता है, वो जो सॉफ्ट और फ्लफी जो केक बनता है और काय केक अपने आप राइज अप होता है, दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो बेकिंग सोडा जो होता है, जब आप उसको केक में या उसमें डालते हो, ब्रेड्स में डालते हो, आपको भी केक को माइक्रोवेव में डाल के देखना, आप देखोगे धीरे धीरे केक क्या आता है, राइज अप होता है, ऊपर ऊपर फूलता रहता है, वो जो फूल रहा होता है गैस, वो कौन सी गैस के कारण होता है, दैट इज़ ड्यू टू दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ड्यू टू दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, एंड दैट मेक्स द केक्स फ्लफी एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट एंड फ्लफी किससे बनते हैं आपके केक्स, किसके कारण बनते हैं, ड्यू टू दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ड्यू टू दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा कहाँ यूज होते हैं, सबसे पहले तो बेकिंग पाउडर में यूज होता है, बेकिंग सोडा किस में आपके, बेकिंग सोडा किस में बनता है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, एंड देन इज फायर एक्सटिंक्शन में। फायर एक्सटिंक्शन में क्यों यूज होता है, आपको पता है इसके अंदर कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या आती है, आपको कंबस्टिबल सब्सटेंस, कोई भी आग लगेगा उसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फायर एक्सटिंक्शन में यूज होता है, इट इज़ यूज इन द फायर एक्सटिंक्शन एंड बेकिंग पाउडर। बेटा जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो डायरेक्ट हम गैसेस में नहीं खाने में नहीं डाल सकते, जो बेकिंग सोडा होता है आप डायरेक्ट अगर केक में डाल देते हो, तो आपका केक फ्लफी और सॉफ्ट तो बनेगा, बट बिटर इन टेस्ट हो जाएगा, कड़वा बनता है उससे, सोडा डालने से केक कड़वा हो जाता है, तो हम केक्स में बेकिंग सोडा नहीं डालते, वी यूज़ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा के अंदर अगर हम टार्ट्रिक एसिड डाल देते हैं, जो टार्ट्रिक एसिड होता है ना, वो बेकिंग सोडा की ब्रिटरनेस, कड़वाहट को ख़त्म कर देता है। अगर बेटा मेरे घर में बेकिंग पाउडर नहीं, मैं सोचूं सोडा भी होता है हमारे घर में, जो हम चने चुने बनाते हैं उसमें सोडा भी डालते हैं, क्योंकि उसमें चने जल्दी क्या हो जाता है, फूल जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं, सो बट बेकिंग सोडा इज़ हार्मफुल, ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, ठीक है जी। बेकिंग सोडा अगर मैं डायरेक्ट उसमें डाल देते हैं केक्स में, केक आपका सॉफ्ट एंड फ्लफी तो बनेगा, बट इट्स बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है बेकिंग सोडा। सो जो हम बेक्स केकिंग जितनी भी बेकिंग की चीज़ें होती हैं उसमें वी यूज़ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा के अंदर हम टार्टरिक एसिड मिक्स कर देते हैं, जो टार्टरिक एसिड होता है ना, वो बेकिंग सोडा के जो बिटरनेस होते हैं उसे ख़त्म कर देता है, नाउ द केक जो होगा वो सॉफ्ट फ्लफी एंड स्वीट इन टेस्ट आएगा, बिटरनेस रिमूव कर देता है, सो वी यूज़ बेकिंग पाउडर, वी आर नॉट यूजिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, वी यूज़ बेकिंग पाउडर्स। क्लियर जी यहाँ तक। देन इज ब्लीचिंग पाउडर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज यूजेस। यस, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है,
ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्मूला देखें इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, क्या बोलते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम। देन इज प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से क्लोरीन गैस पास की जाती है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर बोलता है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाई पासिंग क्लोरीन गैस ओवर द ड्राई स्लेक लाइम, दिस इज ड्राई स्लेक लाइम होता है, अब इसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास करते हो तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है प्लस वाटर। देन इज प्रॉपर्टीज, ब्लीचिंग पाउडर किस में यूज होता है, प्रॉपर्टीज कहते हैं, इट इज़ ए वाइट पाउडर विच हैज़ अ स्मेल ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोरीन की स्मेल होती है, इट्स अ वाइट कलर का पाउडर होता है एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन होता है, इट इज़ सॉलेबल इन कोल्ड वाटर एंड इनसॉलेबल पोर्शन बिहाइंड, कुछ पार्ट इसका सॉलेबल है माइल्डली या पूरा सॉलेबल होता है, पार्शली सॉलेबल होता है। एंड ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद अ डिल्यूट एसिड टू फॉर्म क्लोरीन गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। देन इज यूज दिस ब्लीचिंग पाउडर, इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है किसी को अगर सुंघा दो तो वो बंदा क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, वी दिस इज ब्लीचिंग पाउडर इज यूज, की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है बेटा ब्लीचिंग। एंड इट इज़ यूज इन द वुलन क्लॉथ्स को अनश्रिंकेबल बनाने, जितने भी आपके ईजी वगैरह होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। एंड ब्लीचिंग पाउडर जो होती है आपके किस में यूज़ होती है, जो आपकी कॉटन वगैरह होती है ना बेटा, जो आपकी कॉटन प्लांट्स में होते हैं येलो इन कलर होती है, आपके पास जो घर पे आते हैं कॉटन के बंडल्स है वाइट कलर में, तो उसको किस में डाला जाता है, ब्लीच में डालते हैं। ब्लीच जो होता है वो बैक्टीरियाज़ को और जर्म्स को किल कर देता है, क्यों कर देता है, क्योंकि जब इसको हम डालते हैं इसके अंदर क्लोरीन गैस बनती है, आपने पढ़ा होगा नाइन, क्लोरीन जो गैस होती है इट किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरियाज़। सो और ब्लीच जो होता है वो कलर कलर जो भी कलरफुल चीज़ें उसको वाइट में चेंज कर देता है, आपने देखा कई बार हम घर में घर जो वाइट कपड़े होते हैं जनरली ब्लीच पाउडर में डालते हैं, ब्लीच में डालने में जो कलर जो होता है वो उसका रिमूव कर देता है। और समटाइम्स कुछ ब्लीचिंग पाउडर ऐसे भी होते हैं जो हम किस में यूज़ करते हैं, वूल्स को अनश्रिंकेबल बनाने, ईजी वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। और जितनी भी आपके प्लांट से कॉटन होती है वो बहुत गंदी होती है, बैक्टीरियाज भी होते हैं जर्म्स भी होते हैं, उसको किस में डाल देते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर में। दो फायदे होते हैं, एक तो वाइट कलर में चेंज हो जाती है, जो उसका येलोइश कलर होता है इट बिकम्स वाइट, और दूसरा क्या हो जाता है उसके जर्म्स एंड बैक्टीरियाज क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनता किससे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से क्लोरीन का असर। देन इट्स प्रॉपर्टीज होगी इसकी, ठीक है जी, एंड देन इट्स यूजेस हो गए ब्लीचिंग पाउडर के, क्लियर बेटा। ब्लीचिंग पाउडर के बाद आपका आ गया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये बनता कैसे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पीओपी, आपने अपने घर में देखा दीवारों पे छतों पे, अब पीओपी का काम करवाता है, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बनता किससे पता है, जिप्सम से। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अगर इसको हम फर्नेस में डाल के हीट करते हैं 100 सेल्सियस तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, एंड 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या आते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह जाता है 1 एंड, इसको बहुत ध्यान से गर्म करना है हीट करते हैं, अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया और ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी उड़ गया, इसका हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी उड़ गया, देन दिस इज़ कॉल्ड डेड बर्न प्लास्टर, ये किसी यूज़ का नहीं रहेगा बेटा। अगर ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी उड़ गया आपने ज़्यादा गर्म कर दिया तो ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट को पता क्या बोलते हैं, डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर हम क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि अभी ये किसी यूज़ का नहीं है, डेड बर्न प्लास्टर। आपको पता है इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से आया, ये सबसे पहले ना पेरिस की कहीं रॉक्स से मिला था तो इसको वहाँ से इसका नाम क्या जोड़ के बना दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सबसे पहले कहाँ से मिला था, पेरिस की किसी रॉक्स से वहाँ से मिला था, दैट्स वाई इसका नाम हमने क्या कर दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बनता किससे, जिप्सम, जिप्सम के अंदर क्या आता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है, अगर मैं इसे हीट करती हूँ इसके अंदर 1.5 रहता है तो ये क्या रहता है, हाफ, मतलब हेमी हाइड्रेट, हेमी मीन्स रहता है हाफ रह जाए, देन दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको पता प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ कहाँ होता है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज एंड इट्स के यूजेस करते हैं अब हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको वैसे कॉमनली सबको पता होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था, वाइट कलर का पाउडर होता है। और आपको पता है इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वो POP का आपके घर में आते हैं करने के लिए, इसके अंदर दोबारा पानी डालते हैं, फिर दोबारा हार्ड मास बन जाता है, जिप्सम ही बन जाता है। जिप्सम को हीट करते थे तो क्या बनता था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वो पानी डालते हैं, आके घोलते हैं, आपकी दीवारों पे छतों पे लगाते हैं, एंड देन इट अगेन बिकम जिप्सम में बन जाता है। हार्ड मास क्या होता है, जिप्सम होता है। इट इज़ स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में नहीं रखते हैं तो ये नेचर में से वाटर एब्जॉर्ब करके हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, फिर ये यूजलेस बन जाते हैं। सो अपने आप ही POP के अंदर अगर आपने मान लीजिए ओपन ही छोड़ दिया तो ये नेचर में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये जिप्सम बन जाएगा, हार्ड मास तो ख़राब ही हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में रखा जाता है। देन लास्ट इज यूजेस, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। आपको पता है आपकी कभी किसी की बोन फ्रैक्चर होती है, फ्रैक्चर बोन में हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका फ्रैक्चर बोन्स के ऊपर प्लास्टर चढ़ा देते हैं, दैट इज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। डेकोरेटिंग मटेरियल्स में, टॉयज में, फायर प्रूफ मटेरियल्स में, रूफ्स भी आपके, वहाँ पे सब में क्या होता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। आपके घर में डेकोरेटिव चीज़ें, मटेरियल, ज्वेलरीज, टॉयज, आपके स्टैचूज बने होते हैं, दैट इज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। छतों पे तो आजकल आपने रूफ्स में तो जनरली देखा होगा उसमें तो, एंड फायर प्रूफिंग मटेरियल्स में। फ्रैक्चरिंग ऑफ बोन्स, जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फ्रैक्चर लगाते हैं ना आपका, प्लास्टर चढ़ा देते होते हैं 15 दिन के लिए, 20 दिन, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है जी। देन लास्ट टॉपिक सॉल्ट्स में, लास्ट टॉपिक इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पहले तो डेफिनेशन क्लियर करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कहते हैं हाइड्रेटेड कुछ सॉल्ट्स होते हैं, हाइड्रेटेड इनके वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट ये वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन देयर क्रिस्टल होते हैं, बेटा दिखाई नहीं दे रहा पानी है ऊपर, ये इन देयर क्रिस्टल ही प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, जन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। सो एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैज़ फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर ना फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखना है, ये वाटर दिखाई नहीं दे रहा आपको, इन देयर क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। सो लाइक कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंटेन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट्स वाई इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर आ रहा होता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर। ये जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, लाइक ये दिख नहीं रहे कि 5 है, ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन देयर क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, इन देयर क्रिस्टल। सो दिस इज 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन देयर क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में होता क्या है, देन जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं दैट इज ड्यू टू दे कलर, दे इम्पार्ट कलर। ये जो इनके क्रिस्टल्स में प्रेजेंट है दे इम्पार्ट कलर। अगर मैं इसे हीट करती हूँ, अगर मैं कॉपर हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करती हूँ बेटा, ये एनहाइड्रस होता है, इसके 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नेचर में चल रहा है, देन इट बिकम वाइट इन कलर। तो वो ब्लू कलर कहाँ से था, जो इसके क्रिस्टल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ये दिखाई नहीं देते। दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन देयर क्रिस्टल, और जब क्रिस्टल के अंदर इनके स्ट्रक्चर के अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दे इम्पार्ट कलर, इनका कलर दिखा रहे होते हैं। और जब मैं सॉल्ट को रख के गर्म कर देती हूँ तो ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उड़ जाते हैं, देन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उड़ने से इसका कलर क्या हो गया, वाइट कलर में चेंज हो गया, ब्लू टू वाइट कलर चेंज हो गया, ब्लू टू वाइट। सो जब किसी के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, देखें दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट, और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाए तो एनहाइड्रस हो गया। अब एनहाइड्रस से कॉपर सल्फेट को मैंने फिर पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद देन इट अगेन बिकम ब्लू इन कलर, क्योंकि इसने अपने आप फिर क्या कर लिए, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लिए। सो डिहाइड्रेटेड आपने इसको पानी का रिवर्स भी है प्रोसेस, वाटर इज एडेड टू द एनहाइड्रस, इट गेट हाइड्रेटेड एंड टर्न्स ब्लू इन कलर। मीन्स अगर आप इसके इसको गर्म करते हो तो ब्लू का वाइट बन जाएगा, क्यों, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स ही उड़ गए, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स इन दे क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं दे इम्पार्ट कलर, उसको क्या दे रहे होते हैं, कलर दे रहे होते हैं। और अगर दोबारा से आपने उसको क्या किया, आपने इसे क्या किया, हीट किया, इसके 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो निकल गए,
Due to this, for five molecules of water evaporate again, becomes colorless, white कलर का टर्न हो गया. एंड देन अगेन आपने इसको पानी के अंदर डाल दिया, फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसको दोबारा मिल गए, इट बिकम्स ब्लू. सो दैट मीन्स कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे इम्पार्ट कलर. ये क्या दे रहे होते हैं आपको, कलर देते हैं स्ट्रक्चर. सो दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था बेटा. आई होप सबको अच्छी तरह से सॉल्ट समझ आए होंगे. सबसे पहले हमने सॉल्ट्स में से आज शुरू जहाँ से किया था, सॉल्ट किया था, फिर हमने NaCl किया, फिर मैंने आपको कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा सारे करवा दिए, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस. लास्ट टॉपिक इस दिस चैप्टर इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या था कि वाटर दे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दे क्रिस्टल, ये इनके क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दिखाई नहीं देते. फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे इम्पार्ट कलर. ये कलरफुल होते हैं ये सॉल्ट सारे, जिनके अंदर फाइव मॉलिक्यूल सेवन मॉलिक्यूल में कोई ग्रीन होता है, कोई ब्लू होता है, कोई व्हाइट होता है. सो दिस दे प्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल्स दे इम्पार्ट कलर. सो जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं. अगर मैं इसको गर्म करूँ तो ये अनहाइड्रस हो जाते हैं. अनहाइड्रस मीन्स इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं. जब वाटर के मॉलिक्यूल उड़ गए तो साथ में कलर भी चला जाएगा. सो ये वाटर के मॉलिक्यूल जब क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल्स दे इम्पार्ट कलर. उसका कलर आता है किसी सॉल्ट का. जैसे आयरन सल्फेट के अंदर सेवन मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयरन सल्फेट के अंदर कितने होते हैं, सेवन, और उसका कलर ग्रीन आ रहा होता है. उसका कलर क्या आता है, ग्रीन. वॉशिंग सोडा में आपने देखा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसका कलर क्या आता है वॉशिंग सोडा का, वाइट कलर. तो वाइट कलर क्यों है, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अगर 10 के 10 उड़ जाएंगे देन इट बिकम कलरलेस, इट बिकम कलरलेस. आई होप आपको सॉल्ट सारा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा बच्चे. फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो मैं आपको एक लेक्चर लूँगी जिसके अंदर मैं सॉल्ट सारे डिस्कस करूँगी, इसके असाइनमेंट लेके आऊँगी अच्छे से क्वेश्चंस के, देन उसमें हम आपके सारे डाउट्स क्या करेंगे, क्लियर करेंगे. अगर फिर भी कोई डाउट हो मुझे फ़ोन भी कर सकते हो बच्चे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं वीडियोस को, ठीक है जी. थैंक यू बच्चे. इसके साथ आपका चैप्टर यहाँ पे सॉल्ट्स सारा पार्ट खत्म हो जाता है. एसिड बेस एंड सॉल्ट आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है बेटा. इस वीडियो को रुक के ध्यान से रुक रुक के देखो. आज ना बहुत सारी हमने रिएक्शंस किए हैं. सो रिएक्शंस को नोट करिए, अपने नोट्स बनाइए लाइक दिस. मैं इसीलिए आज आपको पूरे नोट्स के फॉर्म में लेके आई हूँ. मैं इसको आपको इतना सारा पार्ट बोल नहीं सकते थे हम, पर आपको अब देख के आराम आराम से लिख सकते हो. आप अपने पूरे नोट्स बना सकते हो अच्छी तरह से. देन वी डिस्कस इसके, हम क्वेश्चंस जो आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी. थैंक यू बच्चे, थैंक यू.